हाजिर ग्रांट में 3 दिवसीय स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें खो खो, स्पून रेस, 100-200, 400 मीटर रेस, वॉलीबॉल, डोजबॉल, चेस, कैरम, बैडमिंटन, क्रिकेट के साथ तमाम खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें LLB, BEd, योगा संकाय के छात्र छात्राओं के साथ तमाम फैकल्टीज ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। खेलों के विजेताओं और उप विजेता छात्रों को महंत लोकेश दास जी महाराज द्वारा मेडल व प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस दौरान पर कॉलेज के निदेशक जयपाल गांधी, कविता गांधी, प्रधानाचार्य बबीता चौधरी व समस्त अध्यापक व कर्मचारी उपस्थित रहे। जगन्नाथ विश्वा कॉलेज हमेशा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो चाहे योगा की पद्धतियां हो, उस पर हमेशा हमेशा फोकस करता आया और हमेशा करता भी रहेगा। और हर साल इस बार जिस प्रकार मनाया गया, इस प्रकार पूज्य गुरुदेव महाराज की स्मृति में हर वर्ष इसी प्रकार स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते रहेंगे और लोगों को और बच्चों को उत्साह भी होता रहेगा। और बहुत सारी टीम हारती है, कई बार जीतती है, जीवन में हार और जीत हमेशा लगी रहती है, इससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर हाल में खुश रहो, ये छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा आज पास ना हो, जो चेहरा आज पास ना हो उसकी आवाज़ में खुश रहो, जो लौट कर नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जगन्नाथ विश्वा कॉलेज को आशीर्वाद। इसी प्रकार टूर्नामेंट कराते रहिए और बच्चों को उत्साहित करते रहिए और पूरे स्टाफ को और हमारे जयपाल जी को और उनके अर्धांगनी मैन को भी और पूरे स्टाफ को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत सारे खेलों में पार्टिसिपेट किया, बैडमिंटन में, रेस में, टग ऑफ वॉर में, खो खो में, और मतलब खेल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिकली, मतलब फिजिकली फिट रहने के लिए भी और बहुत सारी चीज़ों के लिए, मतलब खेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया और हम टग ऑफ वॉर में थे, डॉज बॉल में थे, बैडमिंटन में, कैरम, चेस, रेस, हमें सब में पार्टिसिपेशन किया जितने भी गेम्स थे। ऑलमोस्ट खेल कितना जरूरी है, सब बहुत जरूरी है और बहुत एंजॉयमेंट होता है, माइंड तो एकदम रिफ्रेश हो जाता है।